जिंदगी में बहुत सारे चोर देखे हैं, लेकिन तुम जैसी चोरनी कभी नहीं देखी। तुम कभी नहीं भूलेंगे। मैं भी। वैसे तुम इतनी मेहनत कर रहे हो, अब तुम्हें निकम्मा शहजादा कहना अच्छा नहीं लगेगा। तुम बुलाती हो सब अच्छा लगता है। पर हम अलग अलग हो रहे हैं, लेकिन मुकाबला हमारे बीच अभी भी जारी है। वो जो ताज है ना, सबसे पहले हम हासिल करेंगे। इतने अकड़ू हो तुम। शहजादे ऐसे ही होते हैं। मेरा बच्चा है तू। इतने बुरे भी नहीं होते। मक्खन मलाई, तू अपुन को खूब याद आएगा। चले बड़ा, आप भी हमको खूब याद आएंगे। वैसे हमें आपकी जुबान समझ में नहीं आती, लेकिन इतना समझ गए कि आप अच्छी हैं। मेरा बच्चा है तू। जिनो, इन दोनों को हिफाजत से बगदाद के बाहर छोड़ करो। पर आप, हम ठीक हैं, हम ठीक हैं। जो हुक्म मेरे आका। जरूर मुझसे मिलना चाहती होगी वो। बस इसीलिए हम दोस्ती वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ते। इस अजबीन के लालटेन का इशारा देखकर ये उनका जो कोई भी दोस्त है वो सीधे मौत के मुंह में चला आएगा। सुनो, ये बगदाद का सबसे बड़ा गोदाम है, यहाँ से सभी सल्तनतों का सामान जाता है। ठीक है, फिर हम यहीं किसी सामान में छुपकर यहाँ से निकल जाएंगे। है? अरे ऐसे कैसे, थोड़ा संभल के। तुम फिक्र मत करो जीनू, तुम जाओ, आगे का मैं देख लूंगी। अब सुनो, तुम कुछ मत बोलना, ठीक है, वरना तुम दोनों पकड़े जाओगे। ठीक है, तो फिर मैं चलता हूँ। चल, तुम दोनों जो बोलना है बोलो ना। आलू। तुम्हें पता है मैंने दूसरा हुआ जमाना देखा है, आज देखा है, आने वाला कल देखा है, लेकिन तुम जैसी तोती नहीं देखी। अपुन ने तो कभी कोई चीज नहीं देखा, पर तेरे मापे कोई हो बहुत मुश्किल है रे। तुम्हें पता है अगर मुझे आता ये बता दे ये कौन सी जबान है तो मैं उसी जबान में तुम्हें खत लिखूंगा। जीनू,
अपना और अपने आका का ख्याल रखना। तुम लोग जाओ। जाओ जाओ यहां से। अलविदा तोते, तूने पहले लोग चले जाए फिर मैं जाता हूं। एक अरसे बाद किसी ने हमारे खिलाफ जाने की हिम्मत की है, देख दो कौन है, बड़ा मजा आएगा। जबीन ने आज लाल फूल क्यों नहीं लगाया? कुछ गड़बड़ है। आंख में चोली का खेल बच्चों के साथ खेला जाता है, यार के साथ नहीं। मेरे तालीम घर को मुझसे बेहतर कोई नहीं जानता। यहां मुझे पकड़ पाना तेरे बस की बात नहीं है सफर। तू छुप सकता है लेकिन आज हमसे बच नहीं सकता। ये सुरंग का रास्ता जंगल की तरफ जा रहा है और हम जंगल के रास्ते तालीम घर पहुंच जाएंगे। इस बात को हमारी कोशिश नजर आ जाए। अचानक से घबराहट क्यों लगी? जो नहीं दिख रहा है ओ बंदे, वो भी तुझे दिख जाएगा। आजमा रहा है जो तुझे, उस पार ले जाएगा। सजदाए शुक्रा
सजदाए सबरा करता जा सजदाए शुकरा सजदाए सबरा करता जा सजदाए शुकरा सजदाए सबरा करता जा सजदाए शुकरा सजदाए सबरा या अल्लाह हमारे लिए दुआ करने के लिए हमारी अम्मी नहीं है इसलिए हम खुद ही तुझसे कुछ मांगते हैं हमें आज तक अम्मी का प्यार नहीं मिला इसलिए अम्मी जैसी बड़ी उस्ताद का यकीन हम हासिल करना चाहते हैं हमारी मदद करिए इस मायूसी की रात को उम्मीद की चांद से रोशन कर दीजिए और वो जहां कहीं भी हो इस चांद की चांदनी उन तक पहुंचा दीजिए बंदे जो ना सोचा वो भी पाएगा सजदाए शुकरा सजदाए सबरा करता जा सजदाए शुकरा सजदाए सबरा करता जा आज अगर मिल जाते तो मौत देते तुम्हें फिलहाल अगली मरता हुआ जब लोगे तो मौत नहीं बल्कि पत्थर जिंदगी देंगे घर आया है कोई पैगाम लाया कोई घर आया है कोई पैगाम लाया कोई देख जरा नाज़नीन बेगम कहाँ रह गई? मैं शहजादी को खाना तो दे दिया होगा ना? मोहिल? शिफान? अरे उस्ताद? शिफान? कोयल? आप हाँ क्यों रही हैं? सब ठीक है ना? सब ठीक है। तुम दोनों इतनी रात को यहाँ क्या कर रहे हो? माशाल्लाह, यहाँ तो महफिल जमी हुई है। शिफान कोयर अपने कमरों में जाओ जी बड़ी उस्ताद जी बड़ी उस्ताद शब्बा खैर माशाल्लाह शब्बा खैर मैं जबीन के हुलिये में सफर कैसे पहुंचा हुआ था वो बेचारी किसी मुश्किल में है अच्छा बड़ी उस्ताद जी अब नाज़नीन को भी इजाजत दे दीजिए काम कर करके थक गई हूँ पता नहीं मेरे साथ कुछ चिलगोजा होता है उसने कुछ खाया भी है या नहीं खाने से याद आया वो शहजादा जो भट्टी में काम कर रहा है ना कल कुछ खाया ना आज कुछ खाया इजाजत उसने आज भी कुछ नहीं खाया सफर से बचाने के लिए मैं उस लड़के को तालीम ना देने की जिद पर अड़ी हूँ और कहीं मेरी यही सिर्फ उसकी जान की दुश्मन ना बन जाए अगर उसे कुछ हो गया तो मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी तुमने 1000 ईंटें बना ली 1000 क्या 10-20 ज्यादा ही होंगी गिन लीजिए तुम बहुत अलग हो अलादीन मेहनत से काम करने वाला इंसान अपनी किस्मत बदल देते हैं लेकिन तुम तो मेहनत लगन और जुनून के साथ काम करते हो तुम जैसे इंसान दुनिया बदल देते हैं शुक्रिया खान साहब ये लो अपनी मेहनत की कमाई 20 शर्फियां कहिए क्या हमारी
तुम्हारी मेहनत की कमाई। साहब, हमें खुद को साबित करने का मौका देने के लिए शुक्रिया। खुश रहो बेटा, खुश रहो। सही खेल गए। अगर अब्बू यहां होते तो हम उन्हें दिखा पाते अपनी मेहनत की कमाई। कोई बात नहीं, जैसे भी इस मेहनती कमाई पर बड़ी उस्ताद का हक है। हमने उनकी शर्त पूरी कर दी, अब उन्हें हमें पानी पे चलना सिखाना ही पड़ेगा। ये अशर्फियां बड़ी उस्ताद तक कभी नहीं पहुंचेगी शहजादे। आप इतनी फिक्र क्यों कर रही हैं बड़ी उस्ताद जी? फिक्र कैसे ना करूं चुलबुल, बच्चे जब कोई गलती करते हैं तो भी उन्हें डांटने में दिल दुखता है मेरा। और फिर इस लड़के ने तो कोई गलती भी नहीं की। इस तालीम घर में रहना, मुझसे सब कुछ सीख पाना, ये हक तो वो पहले ही कमा चुका है। मैं तो उसे यहाँ रहने नहीं दे सकती। और उसे उसका हक ना देके आप ना सिर्फ उसे बल्कि पूरी कायनात को बर्बाद होने से बचा रही है। चुलबुल, अलादीन ने अगर ये 10 अशर्फी कमाने वाली शर्त पूरी कर दी तो मैं क्या करूंगी? हमारा इस्तकबाल करो और बड़ी साथ को बुलाएंगे। 20 अशर्फियां अपनी मेहनत से लेकर आए, है यही बुला कर लाइए। तो नाचूं? जरूर जरूर, हम भी आपके साथ नाचेंगे। आज तो जश्न होगा, जश्न। उससे पहले चाहिए बड़ी उस्ताद को बुला कर लाइए। रुको, बुलाता। हमने कर दिखाया बड़ी उस्ताद, अब इम्तिहान खत्म और हमारी तालीम शुरू। कौन है भाई आप लोग? मुझे नहीं लगता है कि शहजादा लौट के आएगा। पर चुलबुल, मेरी फिक्र की सिर्फ एक वजह थोड़ी है। 24 घंटे से ज्यादा हो चुके हैं पर महजबीन का कुछ पता नहीं। कल सफर उसके हुलिये में क्यों आया था? कहीं उसने महजबीन को कुछ कर तो नहीं दिया? अगर जफर को मेरा सच पता चल गया तो वो मुझे क्या, तालीम घर के किसी बच्चे को नहीं छोड़ेगा। आज हम तुझे नहीं छोड़ने वाले। लेकिन हमने किया क्या है? नहीं, नहीं 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 नहीं, तुम्हें जो चाहिए तुम ले लो, अंगूठी, कड़ा, सोना, हम तुम्हें सब दे सकते हैं। हमें तुम्हें मारना है और मारना है, मार लो, लेकिन ये नहीं दे सकते हम। देखो ये हमें दे दो। हमें तो सिर्फ यही चाहिए। नहीं, उसके अलावा तुम्हें जो चाहिए हम खुद देंगे। ये तुमने ठीक नहीं किया। अलग
अलादीन को इस तालीम घर में नहीं रख सकती। मैं कुछ नहीं सिखा सकती उसे, बस बस वो लौट कर ना आए। आ गया शहजादा, नाश्ता, खुश, चलो। अलादीन आ गया, चलो तुम यहीं रुको, मैं देखती हूँ। अलादीन, For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.